यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन अल्फा के किस वैल्यू के लिए एग्जैक्ट होगी तो हम मान के चलते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है और यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्ट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है पार्शियल एम विद रेस्पेक्ट टू इक्वल्स होना चाहिए पार्शियल एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इक्वेशन एग्जैक्ट है अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं है जो एग्जैक्ट नहीं है उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ से मल्टीप्लाई करा के एग्जैक्ट बना सकते हैं समटाइम्स हम एक्स की पावर एल्फा वाई की पावर बीटा इस टेक्नोलॉजी का यूज नॉट टेक्निक का यूज करते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए <coughs> तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं एम और एन तो एम की जो वैल्यू होगी वन प्लस एक्स स्क्र वाई क्यू प्लस एल्फा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और एन का जो वैल्यू है वो है टू प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स थ्री वाई तो हमें फंक्शन एम और एन मिल गए हैं अब हम यहाँ से पार्सल एम विद रेस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे जो कि इक्वल से थ्री एक्सर वाई और टू टाइम्स एन विदेक्ट टू एक्स ये होगा थ्री एक्स स्क्वे वाई स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई जैसे कि पहले बता ही चुका हूं कि ये दोनों इक्वल होंगे यहाँ से आप देख सकते हैं ये कैंसल हो जाएंगे यानी कि टू एल्फा इक्वल्स टू थ्री जब हम कंपेयर करेंगे कॉफिशियट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई का यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू थ्री अपॉन टू यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा